polling for the crucial MCD elections is underway. I'm joined by Aam Aadmi Party Saurabh Bhardwaj, who's just cast his vote. So many thanks for joining us. सबसे पहले बताइए कितना जरूरी है आम आदमी पार्टी के लिए ये लोकल MCD चुनाव जीतना? देखिए, दिल्ली के अंदर अच्छे स्कूल बने, अस्पताल बने, मोहल्ला क्लिनिक बने, बिजली, पानी, सीवर सबकी व्यवस्था ठीक हो गई. एक व्यवस्था जो ठीक नहीं है वो है साफ सफाई की व्यवस्था. हर उम्मीदवार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग काउंसलर ही क्यों ना हो, हर RWA की मीटिंग में कहता है कि जो सबसे पहला मुद्दा है वो है साफ सफाई का मुद्दा. इसका मतलब वो खुद मानते हैं दिल्ली की साफ सफाई की व्यवस्था बहुत खराब है और 15 साल से खराब है. इस बार दिल्ली के लोग साफ सफाई के लिए वोट देंगे, गुंडागर्दी, गाली गलौज, दादागिरी के खिलाफ वोट देंगे. अच्छे, सच्चे, ईमानदार और शरीफ लोगों को वोट देके इस बार MCD में लाया जाएगा. और ये मैंडेट बिल्कुल साफ है, लोगों की बातचीत से वो बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि पीपल आर फेड अप विद BJP. ये जो कैंपेन ट्रेल था, बड़ी इंटरेस्टिंग कैंपेन ट्रेल थी. हमने देखा एक तरफ BJP के यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, MPs तक कैंपेन ट्रेल में, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का कैंपेन थोड़ा सा ठंडा पड़ गया BJP के सामने? जरूरत ही नहीं थी आम आदमी पार्टी को. भारतीय जनता पार्टी ने 17 केंद्रीय मंत्री उतारे. सोचिए, एक छोटे से स्टेट के म्युनिसिपल इलेक्शन के अंदर केंद्र सरकार के 17 मंत्री काम छोड़ के गली गली पर्चे बांट रहे हैं. 7 मुख्यमंत्री, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, सबके मुख्यमंत्री यहाँ पे जो है पर्चे बांट रहे हैं. कहने की यही हमारा तरीका है, स्ट्रेटजी यही है हमारी. ये है कि उनके पास कोई काम नहीं है दिखाने के लिए. और इनका एक भी स्टार प्रचारक ये नहीं बता पा रहा कि 15 साल में हमने MCD में किया क्या. गालियां दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, मगर गालियों से वोट नहीं मिलते. और अरविंद केजरीवाल को आप जितनी गालियां देंगे, लोग अरविंद केजरीवाल को उतना प्यार करेंगे, उतना आशीर्वाद देंगे. आखिरी सवाल एक ये बताइए कि ये रन अप, इलेक्शंस के रन अप में हमने देखा कि बड़ा ही मुश्किल कर दिया BJP ने फॉर द आम आदमी पार्टी टू रिगल आउट ऑफ करप्शन चार्जेस. स्टिंग पे स्टिंग निकाले, फिर उसके बाद सत्येंद्र जैन पर भी हमला, ये रन अप MCD की पोल्स के पहले किया. तो कहीं कहीं ना कहीं लगता है कि वो भी एक परसेप्शन, जो कट्टर ईमानदार का आप लोग दावा करते हैं, वो परसेप्शन भी कहीं ना कहीं BJP ने पूरी कोशिश करी उस पर प्रहार करने की, और कहीं ना कहीं वो परसेप्शन अब धीरे धीरे हल्का पड़ रहा है दिल्ली की जनता के सामने. 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने नेगेटिव पॉलिटिक्स की, 2020 में उन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स की, सिर्फ आरोप, झूठे आरोप, गाली गलौच, गुंडागर्दी, बदतमीजी की. अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ तक मारे गए, चेहरे पर शाही तक फेंकी गई, मुंह काला करने की बात कही गई, लोगों को ये पसंद नहीं आता. दिल्ली के लोग बहुत समझदार लोग हैं. हर आदमी UP, बिहार, पंजाब से यहाँ पे रोजी रोटी कमाने आया, मतलब ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन देयर स्टेट्स, एंड दैट्स हाउ दे केम हियर टू अर्न देयर लिविंग. वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, और ये चीज़ जो है दिल्ली के लोग रिजेक्ट करते हैं. इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, लोग शरीफ लोगों को चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में आए, इस तरीके के गुंडों को नहीं चाहते हैं. So well, that was the Aam Aadmi Party, Saurabh Bhardwaj, claiming that the Aam Aadmi Party will win and sweep these MCD elections. Well, that remains to be seen how Delhi votes today and what happens on the results on the 7th of December. In New Delhi with camera person Sanjay Kaushik, Vedant for NDTV.